एक बार पढ़ लेते हो तो वो टॉपिक आपके दिमाग में जाएगा और जिंदगी भर उसे नहीं भूलोगे। एग्जाम हॉल में आपका वो टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम यह टॉपिक को देखने के लिए कैसे पढ़ा जाए, जीएस को कैसे याद किया जाए, यह देखने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। बहुत ढेर सारे स्टूडेंट में एक ही प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चन को भूल जाते हैं, या क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा सस्पेंस हो जाते हैं कि यह ऑप्शन होगा या ऑप्शन होगा, इस प्रकार से कि वह क्वेश्चन आपके दिमाग से एकदम आउट हो जाता है। जिस ऑप्शन को देखते हैं कहते हैं कि यही है, बस करिए यही है आंसर, यही है। इस प्रकार से हम आपको यह श्योर करेंगे कि जीएस को कैसे पढ़ें और लंबे समय तक कैसे याद रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएस को पढ़ने का सबसे बेस्ट एवं सबसे सुपर तरीका, जिस भी टॉपिक को पढ़ें सबसे पहले उस टॉपिक को आप पढ़ते चले जाइए, पढ़ते ने के पश्चात आप करिएगा उस टॉपिक से क्वेश्चन को लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाइए। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, विनोबा भावे हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, जिस व्यक्ति की, जैसे जयप्रकाश नारायण हो गया, जिस व्यक्ति के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, उस व्यक्ति का इमेज आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक से यही है, यही व्यक्ति है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ रहे हैं, उसका दिमाग में एकदम पूरी पिक्चर की तरह इमेज छप जाना चाहिए और उस टॉपिक को, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को बहुत ही गहराई के साथ पूरा का पूरा पढ़ते चले जाइए। फिर पढ़ने के पश्चात आप क्या करिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, पुनः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खोल लीजिए और खोलने के पश्चात आपको जिस टॉपिक से, जिस एमसीक्यू आपको नहीं आ रहा है, तो आप उस बुक को पहले उठाइए और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन कहाँ से आया। यदि आपके बुक से नहीं मिलता है, आप उसे गूगल या यूट्यूब करिए, सर्च करिए, चाहे जहाँ से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं क्या कि रैंडमली आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं और थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, तमाम प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। ये तो श्योर है कि लगभग लगभग क्वेश्चन जो एग्जाम रहते हैं वह बुक से थोड़ा सा बदल दिए जाते हैं, लैंग्वेज को बदल दिए जाते हैं। जब तक आप थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप किसी टीचर से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप ऑब्जेक्टिव लगाने से कोई भी फायदा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कोई भी, जिस भी टीचर से आप थ्योरी को पढ़ रहे हैं उनसे एक ही टीचर से पढ़िए। जैसे हिस्ट्री के लिए किसी एक टीचर को आप चुन लिए तो हिस्ट्री के लिए बस उसी टीचर को चुनिए, यदि आप जियोग्राफी के लिए चुन रहे हैं तो उसी टीचर को पूरी के पूरी जियोग्राफी समाप्त करने का प्रयास करिए। ये नहीं कि आज ये टीचर लिए फिर कल अगले टीचर बदलने, फिर अगले टीचर बदलने। ऑनलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि शाम सुबह हर टीचर बदलते रहते हैं जियोग्राफी के, उससे कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है कि कौन सा टीचर किस बात को कहाँ पर जोड़ रहा है। तो मेरी एक सजेशन है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं एक ही टीचर से पढ़िए और उसके पूरी नॉलेज को ले लीजिए। जब तक पूरी नॉलेज को न लीजिए तब तक टीचर को बदलने का प्रयास न करिए, उससे ऑब्जेक्टिव लगाइए। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए जरूर और थ्योरी पढ़िए, ऑनलाइन पर ज़्यादा मत फोकस करिए। आप अपनी स्वतः स्टडी जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक या दो बार किसी भी थ्योरी को पढ़िए ऑनलाइन, बाकी टाइम आप बर्बाद मत करिए, नहीं तो हर एक बार पढ़ेंगे, हर एक तरीका बताएंगे और आप उसमें हर बार सस्पेंस होते चले जाएंगे और कुछ आता आएगा नहीं, आपको बार बार भूलेंगे। आप जब तक स्वयं नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होने वाला है। मैंने इस वीडियो में आपको यह ना सजेशन दिया है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो बेस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ ध्यान दीजिए अच्छे से पढ़िए, एक ही बार पढ़िए, लेकिन दिमाग में टॉपिक वाइज पढ़िए, फिर थ्योरी पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। और जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस व्यक्ति का, उस घटना का आपके दिमाग में चित्र आना जरूरी है, नहीं आता है तो आप कुछ समय के पश्चात भूल जाएंगे। तो चलिए, हम वीडियो कैसे लगा, यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल हो हमें लाइक करके प्रोत्साहन बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।